हेलो फ्रेंड्स, अजीज दोस्तों, साथियों, आज 1 दिसंबर है और हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स आप तमाम जानते हैं, एक बीमारी का नाम है जो कि एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। एड्स ये एक बीमारी का नाम है और इसकी वजह होती है हमारे जिस्म में एचआईवी वायरस के दाखला होने से या हमको एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन होने से। एचआईवी वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है और बीमारी करता है, लेकिन एड्स ये बीमारी का नाम है जो किसी इंसान को एचआईवी इन्फेक्शन होने की वजह से होती है। मगर एड्स की बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलती है, एचआईवी वायरस फैलता है। तो आज 2023 1 दिसंबर को स्टॉप एड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो थीम दिया है उसका नाम है लेट कम्युनिटीज लीड, यानी कम्युनिटीज ने, लोगों ने, ग्रुप्स ने, एनजीओज ने आगे बढ़कर एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। ये सिर्फ ना कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बल्कि लोगों की भी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा लोगों की ही जिम्मेदारी है कि वो हेल्दी बिहेवियर को अपनाएं और इस बीमारी को होने से बचाएं, फैलाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये बीमारी या ये वायरस 4 चीजों की वजह से फैलता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो वजह है वो 90% केसेस में वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। यानी किसी भी एचआईवी इन्फेक्टेड आदमी के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो जो आदमी को एचआईवी इन्फेक्शन नहीं है उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी वजह है निडल स्टिक इंजरी या निडल शेयरिंग या आईवी ड्रग एब्यूजर्स, यानी जो नशा करते हैं, इंजेक्शन के जरिए दवा लेकर, ड्रग्स लेकर उनमें, या जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाए, ऐसा ऐसा ब्लड जो कि टेस्ट ना किया गया हो और ऐसे शख्स से लिया गया है और जिसमें एचआईवी वायरस पाया जाता हो, इन तमाम लोगों से जो है एचआईवी वायरस फैलता है। तो ये ब्लड के जरिए हुआ। तीसरा जो तरीका है वो, अगर माँ एचआईवी इन्फेक्टेड है तो उससे उसके बच्चे को भी ये वायरस फैल सकता है। लेकिन आज कल मेडिकल केयर और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, जिसकी वजह से चांस माँ से बच्चे को होने का बहुत कम, 1% से भी नीचे हो गया है। तो ये तीन मेन वजूहात है जिनकी वजह से एचआईवी वायरस लोगों में फैलता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं कि आपके पास आसपास में कोई एड्स का पेशेंट हो, एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट हो, तो आपके उसके साथ उठने, बैठने, खाने, पीने, हाथ मिलाने, साथ रहने, इन सब वजहों से एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है, प्लेट शेयर करने से या बिस्तर शेयर करने से, तकिया शेयर करने से, ब्लैंकेट शेयर करने से, या कोई भी ऐसी चीज जिस पर उस शख्स का खून ना लगा हो, इनसे जो है होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हमको एहतियात करने की ज़रूरत है, और चूंकि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं एड्स के पेशेंट से, तो यह डरने की ज़रूरत नहीं है। उन पेशेंट्स को का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, उनके साथ मिलना जुलना, बैठना, उनका पूरा ख्याल करना, उनको प्यार मोहब्बत देना, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो बहुत सारे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो चुके हैं। एड्स टुडे इज नॉट ए डेथ सेंटेंस, यानी अगर किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मौत की सजा दे दी गई है, बल्कि आजकल जैसे क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, हार्ट अटैक, कैंसर का इलाज मौजूद है, उसी तरह एचआईवी एड्स के लिए भी दवाएं मौजूद हैं। एक दो गोली, 3 गोली खाने की जरूरत है। तमाम सरकारी अस्पतालों में ये दवा फ्री में मिलती है, वहां से एआरटी सेंटर से आप लेकर इसका इलाज कर सकते हैं, ये गोलियां खा सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है एचआईवी एड्स के साथ वो अभी खत्म
नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये देखने में आता है कि स्कूल में, जॉब पे, पब्लिक में, या पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में वगैरह एडमिट हो जाए तो उसके साथ जो है एक सौतेला बर्ताव किया जाता है, स्टिग्मा जो है आज भी मौजूद है। तो हमको ये स्टिग्मा से बचना चाहिए, पेशेंट को आइसोलेशन करने से बचना चाहिए, पेशेंट को लेबल करने से भी बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम से नो टू एड्स, यानी HIV एड्स इस बीमारी को हम नहीं कहें, यानी ऐसा बिहेवियर हम अपनाएं जिससे हमको HIV एड्स ना हो, एंड से यस टू गुड हेल्थ। और हमारी सेहत का ख्याल रखना हमारे ऊपर फर्ज है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह हमारी हेल्थ को मेंटेन करें, अच्छी बनाएं, आगे बढ़ाएं, बीमारियों से अपने आप को बचाएं, जिसमें HIV एड्स भी एक बीमारी है। तो आइए हम सब ये पक्का इरादा करते हैं कि हम लोगों में इसके बारे में बेदारी और तालीम को फैलाएंगे, और इसके बारे में गलत फहमियाँ जो लोगों में मौजूद है उसको दूर करेंगे, उसको नहीं फैलाएंगे। और जो सोशल स्टिग्मा एड्स के बारे में आज कम्युनिटी में है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे और दूर कर देंगे। तो HIV हो या एड्स की बीमारी हो, इससे बीमारी से हमको नफरत करना चाहिए, ना कि उस शख्स से जिसको ये बीमारी है उससे बिल्कुल नफरत नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे नफरत करेंगे तो आधा इस नफरत की वजह से ही मर जाएगा और आधा बीमारी की वजह से मर जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत दें, ख्याल रखें उस पेशेंट का, और लोगों में इस बात की जो है तालीम, बेदारी पैदा करें और उनको जगाएं और स्टिग्मा से बचाएं। तो ये कम्युनिटीज का काम है। तो HIV एड्स अवेयरनेस ये दरअसल बहुत कीमती और एक अहमियत और इसेंशियल काम है, क्योंकि HIV इन्फेक्शन जो कि अभी क्यूरेबल नहीं है, इसका पूरा इलाज नहीं आया है, तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं गुड क्वालिटी एजुकेशन, यानी तालीम बीमारी के बारे में, और ख़ास तौर से देहाती एरियाज में भी, क्योंकि अभी बीमारी देहाती एरियाज में भी पहुंच चुकी है। तो HIV प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, उसका मैनेजमेंट और केयर, ये सारी चीज़ें आज मौजूद हैं। इसको हमको लोगों में इसके बारे में बेदारी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब मिलकर इस बीमारी के लिए जो स्टिग्मा है और इससे जो सौतेला भेदभाव है उसको हम दूर करें और सेहतमंद माहौल पैदा करें, ताकि HIV एड्स पेशेंट भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। सबसे अहम बात यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी की रोकथाम उसके इलाज से बेहतर है। और स्पेशली जब किसी बीमारी के लिए कोई इलाज ही नहीं है तो वहां पर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज द क्योर, यानी उसका इलाज उसकी रोकथाम ही है। तो रोकथाम करना बहुत जरूरी है। आखिर में आइए हम सब ये इरादा करते हैं कि हम आइसोलेशन का एंड करेंगे, स्टिग्मा का एंड करेंगे, HIV ट्रांसमिशन का भी एंड करेंगे, यानी एंड आइसोलेशन, एंड स्टिग्मा, एंड HIV ट्रांसमिशन। तो इस तरह से हम मदद कर सकते हैं इस बीमारी के खात्मे के लिए। तो मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और जिनसे भी आपके आपका उठना बैठना हो, उन तमाम में इस बीमारी के बारे में बेदारी पैदा करें। ये भी एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे बीमारियों की तरह ही है, यानी क्रॉनिक डिजीज है जो लंबे अरसे तक चलती है, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसी तरह HIV एड्स की भी बीमारी आज हो चुकी है। और बस इतना है कि पेशेंट को 1 से 2 या 3 गोलियां खाना पड़ता है और कुछ एहतियात बरतनी पड़ती है। तो इस बात का इल्म लोगों में फैलाएं, लोगों में बेदारी पैदा करें, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें और हमारे समाज में ये बीमारी फैलने से रुक जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने
दोस्त अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।